नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ लड्डू की। तो लड्डू तो हमने कई बार खाए हैं, पर आज हम लड्डू से एक नई रेसिपी बनाएंगे। तो लड्डू को है ना अच्छी तरह से ना क्रश कर लेना है। तो सारे लड्डुओं को मैंने क्रश कर लिया है। अब मैं इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 5 मिनट तक है ना भूनना है। तो जब तक आप भूनेंगे ना, आप देखेंगे कि धीरे धीरे है ना इसके अंदर जो चाशनी है ना वो मेल्ट होने लगेगी। तो लड्डुओं को हमें ज़्यादा भी नहीं भूनना, नहीं तो है ना ये बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। वैसे तो खाने में टेस्टी लगेंगे, पर जो रेसिपी हम इसकी बनाएंगे ना वो अच्छी तरह से नहीं बनेगी। इसलिए लड्डुओं को बस हमें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही लड्डुओं को भूनना है। और 5 मिनट के बाद मैं गैस की फ्लेम कर दूंगी ऑफ। अब मैं एक थाली के अंदर है ना थोड़ा सा घी डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से ना थाली को ग्रीस कर लूंगी। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे जो हमने लड्डुओं का मिश्रण बनाया है वो डाल देंगे। तो ये गरम गरम मिश्रण ही इसके ऊपर हमें डालना है। गरम मिश्रण में ना ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। अगर आप ठंडा मिश्रण डालेंगे ना तो बर्फ़ी इसकी नहीं बनेगी। तो आज मैं बनाऊंगी लड्डुओं की बर्फ़ी। तो अगर आपका लड्डू खाने का मन ना करे तो इसे गर्म करके इसकी बर्फ़ी बना ले। तो इसे ना मैं अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। तो इसे किसी भी चम्मच स्पैचुला या कटोरी से ना अच्छी तरह से सेट कर देना है और इसे 2 घंटे तक रख दे ठंडा होने के लिए। तो 2 घंटे बाद है ना इस तरह से मैं इसमें चाकू से कट लगा लूंगी और बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आज मैंने बनाई लड्डुओं की बर्फ़ी। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लड्डू खा के बोर हो गए हैं तो आप इस तरह से इसकी बर्फ़ी बना के खाएं, टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। भुनने के बाद है ना लड्डुओं को उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप भी इस तरह से लड्डुओं की बर्फ़ी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से बाकी रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि शादियों में फंक्शन में काफ़ी सारे लड्डू बच जाते हैं, तो थोड़े दिन बाद है ना आप सारे लड्डुओं को इस तरह से भूनकर इनकी बर्फ़ी बना सकते हैं और इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बर्फ़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप भी इसी तरह से लड्डुओं की बर्फ़ी बना सकते हैं।